कर ली। इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही आएंगे जैसे एक्सपेंस ही होते हैं, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक में हम बनाएंगे टी अकाउंट और एक में हम बनाएंगे टाइमलाइन। पहले इसका टी अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी कर लें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। ये टी अकाउंट का फॉर्मेट है, ये एक्सपेंस का अकाउंट हम बना चुके हैं, अब बनाएंगे इनकम अकाउंट। प्रीपेड इनकम, एक्रूड इनकम की नेचर क्या है? एक्रूड इनकम की नेचर एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस के साइड पे आएगा, डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। प्रीपेड इनकम की नेचर क्या है? लायबिलिटी तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अच्छा जब हम इनकम रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? रिसीव करते हैं कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो रिसिप्ट कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड, कैश रिसिप्ट के बाद अकाउंट क्लोज करेंगे। अब इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड का, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी और ये होगी हमारी करंट ईयर की इनकम, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देंगे या अपने प्रॉफिट में ऐड। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट कॉपी कर लें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 रीड कर लें, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ओके, तो इसमें क्या है? 30 नवंबर 2008 सी हैड बैलेंस ऑफ रेंट इन एरियर्स। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस का 2008 का क्लोजिंग है तो 9 का ओपनिंग हो जाएगा ना। और टोटल अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर या गेट 7,18,050। अब 30 नवंबर 2009 ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। इसमें एक टी अकाउंट बनेगा, टी अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट कॉपी कर लूँ। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रेंट अकाउंट बनेगा। अब इसका ओपनिंग बैलेंस है एट 30 नवंबर 2008 शी हैड बैलेंस ऑफ रेंट इन एरियर्स ऑफ 27,600। एरियर्स मीन्स ये एक्रूड रेंट हुआ। ओके तो एक्रूड रेंट क्या होगा? रिसीवेबल एसेट, ओपनिंग बैलेंस आएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। 27,600 इसके बाद है टोटल अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 7,18,050 और डिस्क्रिप्शन में कैश लिख देते हैं, कैश रिसिप्ट के बाद है 30 नवंबर 2009 देयर वाज स्टिल रेंट इन एरियर्स ऑफ 31,800। ये एक्रूवल्स हो गए, एक्रूड रेंट, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट पे 31,800। अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 7,49,850। इसमें सब ये ओपनिंग बैलेंस माइनस करें 27,600 बैलेंसिंग फिगर आएगी 7,22,50 बैलेंसिंग फिगर, और ये होगी हमारी करंट ईयर की रेंट इनकम
से हम इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड करेंगे, क्रेडिट करेंगे जी। अब हम बात कर रहे हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 20, मैंडी रिसीव्स रेंट क्वार्टरली इन एडवांस, हर फाइनेंशियली रेंट 30 अप्रैल ईच ईयर है, शी हैज अ बैलेंस ऑन डेफर्ड प्रीपेड इनकम एट फर्स्ट में 9 of 200। अच्छा ये प्रीपेड इनकम है, अब ये 200 रेंट रिसीव्स एज फॉलोस, इसमें भी रेंट अकाउंट बनेगा। कॉपी करते हैं यहाँ से फॉर्मेट। अब इसका ओपनिंग बैलेंस है, प्रीपेड इनकम है ना 200, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, किस साइड पे क्रेडिट हो जाएगा, 200 क्रेडिट रेंट इनकम लिख देता हूँ, रेंट इनकम। अब प्रीपेड इनकम अब लायबिलिटी है, क्रेडिट हो रहा है, इसके बाद रेंट रिसीव हो रहा है, 600 रिसीव किए तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, फिर 450 रिसीव कर रहे हैं क्रेडिट, 500 रिसीव कर रहे हैं क्रेडिट, 600 रिसीव किए क्रेडिट हो जाएगी। अब क्लोजिंग बैलेंस निकल के व्हाट इज, अच्छा अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, तो लास्ट रेंट हम रिसीव कर रहे हैं 1 मार्च को, और ये कब तक का क्वार्टर एंडिंग 31 मई, यानी कि मार्च अप्रैल मई, मई तक का रेंट हम रिसीव कर चुके हैं, और इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल को, और रेंट हमने रिसीव किया है 31 मई तक का, तो अप्रैल में 1 महीने का रेंट प्रीपेड हो गया ना। ठीक है, 1 महीने का प्रीपेड रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ लिखते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 200, और ये बन जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, और प्रीपेड का क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट साइड, प्रीपेड इनकम लायबिलिटी होती है, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका टोटल आ गया 2350, 200 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग का फिगर आएगी 2150, और ये होगी हमारी करंट ईयर की रेंट इनकम, ऐसे हम इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट कर। क्वेश्चन में टाइमलाइन बनेगी, और ये थोड़ा सा पहले वालों से डिफरेंट भी है। अच्छा, कंपनी सबलेट पार्ट ऑफ इट ऑफिस एंड इन इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008, रेंट रिसीवेबल वाज, अच्छा अंटिल जून 30 8400, फ्रॉम जुलाई 1 12,000 पर ईयर है। अच्छा रेंट वाज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर ईच ईयर। अच्छा पहले जैसे बनाते हैं एक टाइमलाइन, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 30 नवंबर, तो स्टार्ट कब होगा, 1 दिसंबर, ठीक है, तो टाइमलाइन बनाते हैं दिसंबर 1 से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिसंबर 1 से नवंबर 30 तक, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर। तो पेमेंट की डेट्स क्या हैं, यह है अंटिल जून 8400 और जुलाई से 5, यानी कि जुलाई से जून, जुलाई टू जून मिल रहा है रेंट, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे जुलाई, लास्ट ईयर हमें जुलाई में रेंट मिला होगा कितना 8400, और इस साल के जून में, जून तक का रेंट हो जाएगा ये जून 30, अब जुलाई 1 से रेंट कितना हो गया 12,000 हो जाएगा ना, और ये नेक्स्ट ईयर के जून तक, हमेशा ये दिसंबर से लेकर नवंबर तक की रेंट इनकम, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले दिसंबर से लेके जून तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, 7, 7 मंथ्स के रेंट इनकम हम कैलकुलेट करेंगे 8,400 से
आप लिखेंगे 8,400 टू 7/12, क्योंकि जुलाई जून दिसंबर से जून तक, तब जुलाई से नवंबर तक कितने मंथ्स हुए? जुलाई से नवंबर 5 मंथ्स, ये 5/12 कैलकुलेट करेंगे, 7 मंथ्स का अमाउंट क्या बन रहा है? नाइन हंड्रेड, और ये आपके 5,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल हो जाएगा 9,900। तो रेंट इनकम हो जाएगी हमारी 9,900, क्लियर। अच्छा, अब हमें प्रीपेड कैलकुलेट करना है, प्रीपेड इनकम। अच्छा, देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें रेंट पेमेंट की जब बात कर रहे थे तो उसमें हम पे कर रहे थे एनुअली, एनुअल पेमेंट कर रहे थे, तो उसमें हम प्री पेमेंट के लिए क्या करते थे कि नवंबर से लेके जून तक कितने मंथ हुए? नवंबर से जून, यानी कि दिसंबर से जून हो गया ना, 7 मंथ हो गए। तो पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम इसमें क्या लिखते थे कि 12,000 मल्टीप्लाई बाय 7/12, 7,000 प्रीपेड आ जाएगा आगे, है ना। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन इस तरह नहीं, यहाँ पे ये कैलकुलेशन यूज नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट है ना वो क्वार्टरली हो रही है, एनुअल नहीं हो रही। इससे पहले जो क्वेश्चंस के थे तो उसमें एनुअल पेमेंट थी, और यहाँ पे पेमेंट क्वार्टरली हो रही है ना, क्वार्टरली रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, रेंट उसने हमें दिया ये 12,000 पर ईयर का, लेकिन रिसीव हमें हो रहा है क्वार्टरली, ठीक है। तो पर क्वार्टर कितना रेंट रिसीव होगा? 3,000 हो गए 3 मंथ्स के, ठीक है। तो लास्ट रेंट हमें कब रिसीव हुआ होगा? 30 नवंबर को एंड हो रहा है, तो लास्ट रेंट हमने कब रिसीव किया होगा? ये चार डेट्स है ना, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर, अच्छा 1 अक्टूबर को हमने लास्ट रेंट रिसीव किया होगा, और वो किन मंथ का रेंट होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का, ठीक है। और ईयर एंड हो रहे हैं हमारे नवंबर में, रेंट हम रिसीव कर चुके हैं दिसंबर तक, 1 महीने का रेंट प्रीपेड हो गया, 1 मंथ, 1 मंथ। इसको कैलकुलेट कर लेते, अच्छा से कम 12,000 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,000 आ जाएगा, और तो क्वार्टरली से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वार्टरली रेंट कितना मिलेगा हमें? 3,000 ना पर क्वार्टर। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से, डिवाइड कर दें 3 से, तो भी आंसर 12,000 से भी 1 मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको क्वार्टर में कन्वर्ट करके भी 1 मंथ का रेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा 1,000, ठीक। तो अब ये चीज आपको ख्याल रखना है क्वेश्चन में इस बात का कि जो पेमेंट हो रही है वो क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है या एनुअल बेसिस पर हो रही है, ठीक है। तो उसी बेस पे फिर हम एक्रूअल्स प्री पेमेंट कैलकुलेट करेंगे जी। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है। मार्च से रेंट स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च पर रेंट रिसीव हुआ हमें 900 कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। बाद 1 जून को रेंट रिसीव होगा 900, के बाद 1 सितंबर को रेंट रिसीव हो रहा है 900, और उसके बाद 1 दिसंबर को रेंट रिसीव होगा 900। चार पेमेंट आ गई। अब पहली जो रेंट है ये है मार्च अप्रैल में, 2 जून जुलाई अगस्त, 3 सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये दिसंबर जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी 2 मंथ्स का रेंट पेड हुआ, तो आप लिखेंगे 900 इंटू 1/3, 300, 2 मंथ है ना, हाँ 2/3 होगा, आंसर आएगा 600। जब प्रीपेड का ही क्लोजिंग बैलेंस बनेगा ना, प्रीपेड का क्लोजिंग आएगा डेबिट पे 600, आप टोटल करते हैं 3600, 3600 माइनस 600, तो 3,000 बैलेंसिंग फिगर, और ये हो गया हमारी रेंट इनकम, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं। उसको टी अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और
डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं।